हिमाचल प्रदेश में फिर तबाही का खतरा। चंबा और मंडी जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट किया जारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बारिश से राहत के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार सहित करीब 7 राज्यों में भी मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देश के पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही 21 अगस्त से 24 अगस्त तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 अगस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त, पूर्वी राजस्थान में 22 अगस्त तक मध्यम से हल्की और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। IMD ने चंबा और मंडी जिलों के जल संग्रह क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी है और 26 अगस्त तक यहां बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने कहा कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना हो सकती है। अचानक आई बाढ़ से नदियों और बरसाती नालों का जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे खड़ी फसलों, फलदायी वृक्षों और पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि इस साल मानसून के आगमन के बाद से ही पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही राज्यों में काफी संख्या में अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश वासियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने मानसून के कमजोर होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में 22 से 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज 21 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी है। बताया गया है कि रविवार को भी राज्य के छिटपुट इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान कार्यालय ने चंबा और मंडी जिलों के जल संग्रह क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी है, यानी इन दोनों जिलों में अचानक बाढ़ आ सकती है और 26 अगस्त तक यहां बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है। यानी अभी 26 अगस्त तक हिमाचल के लिए बहुत भारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने कहा कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। अचानक बाढ़ से नदी, बरसाती नालों का जल स्तर बढ़ सकता है। वहीं 21 से 23 अगस्त तक गैर आदिवासी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर आंधी बिजली गिर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप यातायात और अन्य सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति में जल क्षेत्रों और अन्य चैनलों पर आकस्मिक बाढ़ के अलावा सड़कों पर स्थानीय बाढ़, संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, दृश्यता में कभी कभी कमी। यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि भारी बारिश और कोहरे के कारण पानी, बिजली और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं में व्यवधान हो सकता है।